गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स फॉर क्लास टेंथ दिस चैप्टर हैज़ बीन एक्सप्लेन यस टूडे फर्स्ट पार्ट ऑफ इट आई एक्सप्लेन फर्स्ट पार्ट मीन्स मैंने आपको आधा एक्सप्लेन कर पाई थी कल दैट वॉज स्टिल हीयर वेट इट तक मैंने आपको बताया था जब जो सीगल का बच्चा है अपनी मदर को वो जब देखता है uh, टियरिंग फिश उसे खुद याद आता है कि वो कितना उसे कितना अच्छा लगता था फिश खाते हुए और फिर अपनी बीक मैंने अपनी चोंच को चोंच जो होती है उसकी बीक जो होती है उसको शापन जब वो पत्थर पर करता था उसे कितना अच्छा लगता था बट अभी रियालिटी इज़ दैट ही इज़ डेस्परेट ही इज़ सो हंगरी बट nobody is going to help him to provide with food कोई भी उसे खाना नहीं दे रहा है रीजन ये है कि पूरी फैमिली चाहती है कि वो खुद से उड़ना सीख जाए ये मैंने आपको कल पढ़ाया था आगे बढ़ते हैं ये जो है ये साउंड वर्ड है गा 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 ही क्राइड हीम कौन है यहाँ पर वही सीगल का जो बच्चा है छोटा वो चिल्लाता है कुछ कह रहा है क्या कह रहा है बैगिंग ह बैगिंग माने एक तरह से भीख मांगना बैग करना भीख मांगना ह मैंने हर हर कौन है मदर टू ब्रिंग हिम सम फूड वो अपनी मदर की ओर देख कर जो उसे बार बार उस फिश को दिखा रही है तो अपनी मदर की ओर देखता है और एक साउंड निकाल रहा है ग ग मीन्स मेरे लिए लेके आओ इसे कह रहा है और ग अ ये साउंड्स हैं ये कोई भाषा नहीं है ना कोई वर्ड है कुछ इस तरह का प्रोनंसिएशन प्रोनंसिएशन नहीं इस तरह का साउंड शी स्क्रीम मदर चिल्लाती है ऐसे कुछ बोलती है बर्ड्स ऐसे ही तो बोलेंगे ना ठीक है बैक डेरजावली डेरजिवली सॉरी डेरिजिवली मैंने होता है इन अ मैनर शोइंग समन दैट ही इज़ चुपिड मतलब उसे चिढ़ाते हुए एक तरह से मदर जो दूर से फूड मछली खा रही है ट्ररिंग द फिश वो इधर दूसरी क्लिफ चट्टान जो लेच पे बैठा है मदर एक प्लेट्यू में कहीं और है सामने सिर्फ उसे दिखा रही है पर खाना दे नहीं रही है तो वो उसकी तरह साउंड करता है कि मेरे लिए कुछ लेके आओ एक इशारा कर रहा है और जो मदर है वो कुछ कह रही है चिल्ला रही है और पर उसे उसका मॉक कर रही है मतलब मॉकिंग मैंने उसका मजाक सा उड़ा रही है जानबूझ के ये सब किया जा रहा है बट ही केप्ट कॉलिंग प्लान्टिवली प्लान्टिवली मैंने बहुत टाइम उसने बार बार अपनी मदर को कहा मतलब आवाज़ लगाई कि मुझे खाना ऑफर करने के लिए एंड आफ्टर अ मिनट कुछ मिनट बाद और सो ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम थोड़ी देर बाद अटर्ड माने भी वही होता है प्रोड्यूसिंग अ साउंड एक जॉयफुल स्क्रीम खुशी से चिल्लाने लगा वो क्यों हिज मदर हैड पिक्ड अप उसने देखा दूर से कि उसकी मदर ने पिक्ड अप मैंने उठाया अ पीस ऑफ द फिश फिश का टुकड़ा उठाया एंड वॉज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विद इट अब जो फ़िश का जो पीस है उसे लेके उसकी ओर अक्रॉस हिम उसकी ओर उड़ने लगी तो उसे लगा कि शायद मेरे लिए ले आई है ही लीनड आउट लीनड आउट मतलब थोड़ा सा आगे को बढ़ना कोशिश करना किसी चीज़ को पकड़ने की ईगरली मैंने बहुत ही उत्सुकता से टैपिंग द रॉक विद हिज फीट टैप करना मतलब तो तो खुशी से कहीं ना कहीं अपने पैरों से उस रॉक पे उछलने लगता है क्योंकि बहुत भूख लगी है उसे ट्राइंग टू तो गेट नियरर टू तो हर बहुत कोशिश कर रहा है कि वो अपनी मदर के और पास चला जाए जितनी जल्दी हो सके उसे वो खाना मिल पाए शी flew अक्रॉस बट वैन शी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम पर जैसे ही मदर ठीक उसके सामने आती है अपोजिट टू हिम फूड के साथ शी हॉल्टेड वो वहाँ पर रुक जाती है लाती तो है पर जैसे ही वो उसके क्लोज पहुंचती है शी हॉल्टेड हॉल्ट माने हो जाता है हॉल्टेड हॉल्ट halt माने होता है कहीं पे रुक जाना ठीक है हॉल्ट करना कहते हैं ना शी हॉल्टेड हाँ यह है वर्ड शी हॉल्टेड हर विंग्स मोशनलेस वहाँ पे वो रुक जाती है उसके पंख मोशनलेस हो जाते हैं फूड दिखा रही है पर दे नहीं रही है थोड़ी सी दूरी पर द पीस ऑफ फिश इन हर बीक उसकी चोंच में जो फिश का पीस है ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ इस बीक वो उसकी किसकी चोंच बच्चा जो है उसकी पहुंच से थोड़ा ही दूर है मतलब बिल्कुल क्लोज ला के वो उसे वो देती नहीं है ठीक है आप समझ रहे हो ऐसा ही वो क्यों कर रही है मदर ठीक है थोड़ा सा इस कहानी से हमें और भी क्या मिलता है कि कई बार कुछ अच्छा सिखाने के लिए थोड़ा सा टाइट होना भी ज़रूरी है जैसे यहाँ पे मदर पेरेंट्स उनको अंदर ही अंदर ऑब्वियसली वो उसे खाना नहीं दे रहे हैं वो 24 घंटे से लगभग भूखा है पर वो ये क्या चाहते हैं वो ये चाहते हैं कि वो खुद से उड़ना सीखे ये इसलिए किया जा रहा है ऐसे ही ह्यूमन लाइफ में भी जो आपके साथ थोड़ा टफ रहते हैं कहीं ना कहीं वो आपका अच्छा चाह रहे हैं अगर आपके टीचर्स आपको थोड़ा टफ़ ट्रीट कर रहे हैं तो इसका मतलब वो आपके अंदर से कुछ टैलेंट ढूंढ रहे हैं वो चाह रहे हैं कि आप कुछ नया कर पाओ तो ये सब कुछ इसमें हमें देखने को मिलता है हर विंग्स मोशनलेस द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ दिस बीक एंड ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज वो हैरान होकर वेट करता है कि मदर यहाँ तक तो आई और आगे नहीं आ रही वॉन्डरिंग बाई शी डिड नॉट कम नियरर वो हैरान होता है कि वो पास क्यों नहीं आ रही है एंड देन मैडनड बाई हंगर अब खाना बिल्कुल पास है बस वो कैच थोड़ी सी दूरी पर है पर उसे नहीं होल्ड कर पा रहा है वो पागल हो जाता है मैडर्न माने पागल हो जाता है बाई हंग हंग माने भूख से ही डाइव एट द फिश और वो जैसे मदर थोड़ी सी दूर है वो तेजी से उसे पकड़ने के लिए फिर इतना भूख से पागल हो जाता है कि वो जो फिश का टुकड़ा माँ दिखा रही है उसे कैच करने के लिए छलांग लगाता है डाइव करना कहते हैं ना ऐसे तेज से छलांग लगाता है एट द फिश विद अ लाउड स्क्रीन तेज से चिल्लाते हुए स्क्रीन माने चिल्लाना ही होता है ही फिल ही फिल आउटवर्ड्स मतलब वो इतना भूख से पागल हो गया था और कहीं ना कहीं माँ की जो टेक्निक थी काम कर गई उस लेज उस पहाड़ी के उस किनारे से वो आगे नहीं बढ़ पा रहा था लेकिन अभी वो खाने को देख के पागल हो गया उसने इतनी तेज़ की आप कह सकते हैं छलांग लगाई कि एक तेज़ आवाज़ से वो चिल्लाते हुए बाहर निकला वो उस पत्थर से बाहर आखिर निकल गया आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स इनटू द स्पेस इनटू स्पेस पहले तो बाहर उस क्लिफ से बाहर निकला लेट से उछाल उछलते हुए क्योंकि उसे पता ही नहीं था उस टाइम पे कि ऐसा कुछ होगा और वो नीचे जाने लगा डाउनवर्ड्स माने नीचे की ओर मतलब समुद्र की ओर गिरने लगा इनटू स्पेस स्पेस माने जो खाली जगह है देन मॉन्स्ट्रस टेरर मॉन्स्ट्रस माने देते एक राक्षस भयानक टेरर माने डर सीजड हेम उसे अचानक से लगा कि ये क्या हो गया क्योंकि वो तो उड़ ही नहीं पा रहा तो बाहर नहीं आ, अभी भी वो उड़ा नहीं है उसने छलांग तो लगा दी और वो गिरने लगता है नीचे की और बहुत भयानक उसे डर लग जाता है सीज हेम माने किसी चीज़ ने जकड़ लिया डर ने उसे जकड़ लिया एंड हिज़ हार्ट स्टूड स्टिल उसका हार्ट माने हृदय दिल स्टूड स्टिल मतलब जैसे रुक गई हो सांसें रुक गई हो क्योंकि पहली बार किया ना वो तो कभी उड़ा ही नहीं था उसे पता ही नहीं था कि वो उड़ सकता है ही कुड हीयर नथिंग वो कुछ नहीं सुन पा रहा था बट इट ओनली लास्टेड मिनट लेकिन ये जो फीलिंग थी वो बस एक मिनट तक ही रही क्योंकि क्या द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट नेक्स्ट मोमेंट पर ने दूसरे ही क्षण उसने पाया हिज विंग्स स्प्रेड आउट उसके पंख फैल गए क्योंकि वो उड़ा नहीं था उसे अपने अंदर का टैलेंट पता ही नहीं था कि भाई वो बर्ड है और वो उड़ सकता है उसके विंग्स काम करेंगे बस उसको ये नहीं पता था कि मैं अगर ट्राई करूँगा तो मैं उड़ जाऊँगा तो ये माँ ने जो फूड दिखा के जबरदस्ती उसे वहाँ से छलांग लगाने के लिए मजबूर किया और वो अब उड़ने लगता है उसे पता ही नहीं चलता कि कब उसके पंख खुल गए स्प्रेड माने फैल गए आउटवर्ड्स माने बाहर की ओर द विंड रश्ड अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फैदर्स ब्रेस्ट माने छाती होता है सामने से जब वो उसने फील किया कि हवा को काटते हुए आगे बढ़ने लगा है उसे समझ में आ गया कि वो क्या हो रहा था उड़ने लग गया था ठीक है इसको समझिए ध्यान से आप लोग हिज फैदर्स देन अंडर हिज स्टमक उसने अपने स्टमक माने पेट होता है उसके नीचे भी एंड अगेंस्ट हिज विंग्स अपने पंखों के अगेंस्ट ठीक है उसने क्या फील किया हवा को फील किया ठीक है ही वॉज नॉट फॉलिंग हेड लॉन्ग उसने महसूस सॉरी ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स अपने टिप्स माने क्या होता है किसी चीज़ का टॉप होता है उंगली का टिप होता है ना बिल्कुल टॉप हिस्सा तो उसकी जो विंग्स माने पंख का जो टिप है उसे लगने लगा कि कटिंग थ्रू द एयर कि वो हवा को काटते हुए मतलब पंख ऐसे करते हैं ना पीछे को बर्ड्स तो हवा काटना ही होता है एक तरह से कटिंग थ्रू द एयर एयर माने हवा ही वॉज नॉट फॉलिंग हेड लॉन्ग नाउ उसे पता चला कि वो तो नीचे को नहीं गिर रहा है हेड लॉन्ग माने सिर के बल नीचे को नहीं गिर रहा है ही वॉज सोरिंग रेजुअली डाउनवर्ड्स वो तो धीरे ही धीरे धीरे उड़ते हुए नीचे को जा रहे उसे समझ में आने लगा कि वो गिर नहीं रहा है एंड आउटवर्ड्स ही वॉज़ नो लॉन्गर अ फ्रेड उसका अब वो, अब वो डरा हुआ नहीं था ही जस्ट फेल्ट अट डिज़ी डिजी माने थोड़ा सा चक्कर सा आना क्योंकि पहली बार था ये सब देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स वंस उसने अपने पंख एक बार फड़फड़ाए एंड ही सोर्ड फिर से मतलब उड़ना एक तरह से कहते हैं ठीक है सोर्ड अपवर्ड वो ऊपर को आने लगा उसने देखा कि वो नीचे भी जा सकता है पंख से ऊपर को भी उड़ सकता है गा 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 खोल आ हिज मदर स्वूप्ड पास्ट हिम उसके पास से ही उसको सपोर्ट करते हुए इसकी मदर स्वीप होता ना ऐसे एक तरह से निकलना स्वूप्ड पास्ट हिम पास्ट माने उसके पास से उसकी मदर उसको सपोर्ट करते हुए कुछ कहते हुए कि ऐसे उड़ना है ना ये साउंड आई ठीक है मेकिंग अ लाउड नॉइज तेज से आवाज करते हुए ही आंसर्ड हर विद अनदर स्क्रीम वो भी खुशी से चिल्लाने लगा अनदर माने फिर से वो उसने भी जवाब दिया स्क्रीम माने अपनी आवाज में चिल्ला के देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीन तभी फादर भी आ गए उसके ऊपर से फादर भी उड़ने लगे स्क्रीन माने खुशी में कि फाइनली चलो ही केम आउट ही सो हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर उसने देखा उसके दो भाई उसकी बहन सब उसके चारों ओर खुशी से फ्लाइंग अराउंड हिम उसके चारों ओर उड़ रहे थे कवर्टिंग माने लीपिंग लाइक अ हॉर्स खुशी से उछलते हुए जैसे घोड़ा उछलता है ना कुछ इसी तरह का कवर्टिंग जो वर्ड है एंड बैंकिंग एंड सोरिंग एंड डाइविंग वो बैंकिंग वाले होता है यहाँ पे फ्लाइंग विद वन विंग हायर देन द अदर ये अलग अलग तरीके टेढ़े मेढ़े तरह से पक्षी जब उड़ते हैं आपने देखा होगा ना बड़े सुंदर से एक ग्रुप में जाते हैं कई बार देखना बिल्कुल उसको जो उनकी फ्लाइट उसी को कहते हैं एक साथ जब जाते हैं तो अलग अलग तरह से वो उड़ने लगे खुशी से ठीक है डाइविंग नीचे को जाना ते थोड़ा सा टेढ़ा होके उड़ना ये सब वो करने लगा उसे सब कुछ आ गया देन ही कम्प्लीटली फॉट तब वो पूरा भूल गया दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई वो भूल गया कि कभी वो उड़ उड़ने के योग्य नहीं था वो डर भूल गया वो एंड कमेंडेड हिमसेल्व टू डाइव एंड सोड एंड खाव एंड श्री किंग श्रीली वो खुशी से कमेंडेड माने होता है अपने को मतलब एक तरह से उसको गर्व सा महसूस होने लगा कि भाई दैट नाव आई कैन ऑल्सो फ्लाई एंड फ्लाइंग अराउंड देन ही कम्प्लीटली फॉरगॉट दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई एंड कमेंडेड हिमसेल्फ टू डाइव एंड सोर एंड curve कर्व मैंने क्या होता है ऐसे तो टेढ़ा मेढ़ा कर्व कहते हैं ना घूम के हर कर्व को लेते हुए श्रीकिंग माने श्रीली तेजी तेजी से वो चीख के खुशी वाली जो चीख निकाल रहे हैं कुछ कह रहे हैं बर्ड्स आपस में जो होता है जैसे और अलग अलग तरह की वो उड़ान लेने लग गया ही वॉज नियर द सी नाव अब वो समुद्र के बिल्कुल पास पहुँच जाता है फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट ठीक उसके ऊपर उड़ना उसे आ गया समुद्र बहुत बड़ा समुद्र जिसके ऊपर वो उड़ रहा है फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशन ओशन को फेस मतलब बिल्कुल उसको देखते हुए ठीक है नीचे समुद्र ओशन माने समुद्र के ऊपर उसकी ओर देखते हुए उड़ रहा है दे वर बेकनिंग टू हिम बेकनिंग माने इशारा करते हुए ठीक है सॉरी फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशन ही सॉ अ वास्ट ग्रीन सी उसने वास्ट माने विशाल बहुत बड़ा ग्रीन सी हरा सब उतर मतलब हरा दिखाई देता है पानी बीनीथ हिम विद लिटल रिजज मूविंग ओवर इट एंड ही टर्न हिज बीग साइड वेज एंड अ म्यूजली ही ठीक है विद लिटल रिजज रिजज होती हैं ना uh, थोड़ा थोड़ा एरिया जो uh, अलग, अलग अलग जो एक्वेटिक लाइफ से भरा पड़ा हिस्सा होता है उसे so, रिज कह देते हैं विद लिटिल रिज मूविंग ओवर इट किसके ऊपर पानी के ऊपर एंड ही टर्न हिज बीक साइड वेज एंड काउड अम्यूज हैरान होके अम्यूज मैंने बहुत हैरान हो के काउड मतलब वहीं जैसे आवाज़ निकालना ठीक है अम्यूज बहुत हैरान होके सरप्राइजिंगली कह सकते हैं ही जिस मेड अ साउंड हीज पेरेंट्स एंड हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर हैड लैंडड ऑन हिज ऑन दिस ग्रीन फ्लोरिंग अ ऑफ हिम ग्रीन फ्लोरिंग किसे कहा है समुद्र को उसके पेरेंट्स उसमें लैंड करना मतलब तो उतर जाते हैं पानी में ठीक है उनको आता है उसमें रहना क्योंकि वो है ही सी गर्ल उसका नाम ही सी गर्ल है दे वर बेकनिंग टू हिम वो उसकी ओर इशारा करते हैं कॉलिंग श्रीली उसे बुला रहे हैं ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी आज तक वो समुद्र में कभी नहीं उतरा ना अपना भोजन ढूंढने उसे बड़ा डर लगता था लेकिन आज उसने अपने पैर पानी में रखे लैंडेड स्टैंड ऑन द ग्रीन सी हिज लेग्स सैंक इंटू इट उसके पैर उसमें डूबे ठीक है अब ही स्क्रीम्ड विद फ्राइट पहले फिर वो डर से थोड़ा सा चिल्लाया एंड अटेम्प्टेड टू राइज अगेन फ्लैपिंग हिज विंग्स अपने पंख फड़फड़ाते हुए फिर से ऊपर को उड़ने लगा क्योंकि पहली बार पानी टच किया बट ही वो टायर्ड लेकिन वो बहुत थक चुका था एंड वीक विद हंगर और भूख से बहुत कमजोरी फील हो रही थी उससे एंड ही कुड नॉट राइज एग्जॉस्टेड बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज आज की जो विचित्र एक्सरसाइज उसकी लाइफ में जो पहली उड़ान की एक्सरसाइज थी वो उससे थक गया बट कहीं ना कहीं वो बहुत सक्सेसफुल फील कर रहा था क्योंकि जिस चीज़ का उसे डर था आज उसने उसे सीख लिया हिज फीट सेंक इन टू द ग्रीन सी उसका उसके पैर ग्रीन सी समुद्र में डूब गए डूब गए मतलब उसमें तैरना आता है ना उनको पक्षी उसमें रहते हैं एंड देन हिज बेली टचड उसका बेली माने पेट नीचे उसने पानी को टच किया इट एंड ही सेंक नो फर्दर और उसने देखा कि अब वो नहीं डूब रहे हैं अब उसे उसमें भी रुकना आ गया पानी में भी कैसे तैरना है वो भी आ गया ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट वो उस पर तैर रहा है पानी के ऊपर ऊपर तैर रहे हैं एंड अराउंड हिम हिस्स फैमिली वॉज स्क्रीमिंग उसके चारों उसकी फैमिली चिल्ला खुशी से स्क्रीमिंग मैंने आवाजें निकाल रही हैं प्रेजिंग हिम उसकी तारीफ कर रही हैं एंड देर बीग्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश उनकी फैमिली डॉग फिश एक टाइप की फिश है उसके पीसेस उसे ऑफर कर रही है जो उन्होंने अभी कैच किया है ही हैड मेड इज फो फर्स्ट फ्लाइट आज उसने अपनी फर्स्ट फ्लाइट पूरी कर ली तो ये मैंने आपको सिखा दिया सुना दिया चैप्टर एक्सप्लेनेशन पार्ट एंड जैसे मैंने बोला द स्टोरी इज नॉट अबाउट द बर्ड द स्टोरी इज अबाउट अस हमारे बारे में है ठीक है अब इसके क्वेश्चन आंसर्स तो आप पहले भी कर चुके हैं इस बट इसमें से मैं फिर भी आप लोग को बता दूँ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर इज